नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर मैं अपने इस चैनल पर दोस्तों टैक्स से रिलेटेड और किसी भी जो नया ऐप्स आता है उससे रिलेटेड एंड यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज डालता रहता हूं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का आइकन जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जो ये आइकन है दोस्तों, इसको आपको कैसे चेंज करना है दोस्तों, मैं वो आपको आज दिखाऊंगा चेंज करके दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसको मैं कट कर देता हूँ। आपको किसी भी एक ब्राउजर पर चले जाना है दोस्तों, अपने मोबाइल के मैं क्रोम ब्राउजर पर सिंपली चला जाता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी क्रोम ब्राउजर पर जाना दोस्तों। तो जैसे ही मैं क्रोम ब्राउजर अपना ओपन करता हूँ, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर नहीं आता है तो दोस्तों आप अपने यूट्यूब को डेस्कटॉप मोड पर खोल लेना। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली से देख लेना, यहाँ पर डेस्कटॉप मोड है जो, इस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है दोस्तों। फिर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने सिंपली अपने लोगों पर क्लिक करना है दोस्तों। अगर ये सारा कुछ आप जानते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम आपका कमेंट मैच कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कैसे आपको अपना चैनल का आइकन चेंज करना है दोस्तों, और जहाँ पर मैं चैनल का आइकन बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, आपको सिंपली व्यू चैनल पर क्लिक करना है। जैसे व्यू चैनल पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने चैनल आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। चैनल आइकन जैसे ही क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे ही आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने गूगल अकाउंट पूरा खुल जाएगा दोस्तों। जैसे ही आपका गूगल अकाउंट खुल जाता है, यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल तरीके से चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन चेंज कर रखे हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपलोड फोटो पर क्लिक करके जो फोटो आपको लगाना चाहे वो लगा देना, इसके बाद आपका आइकन चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो मेरे इस चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार से और अच्छी और रियल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डलती रहती है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।